जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। शनि के साथ में राहु और केतु दोनों वक्री हो रहे हैं। आज 17 जून को यह महासंयोग बन रहा है। वक्री होने से बहुत सारे जीवन में तकलीफें बढ़ सकती है, बहुत सारी चीज़ों लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो सकता है। और 6 महीने जो है, खासकर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु और केतु और शनि तीनों रूप से अगर वक्री हो रहे हैं तो ओवरऑल हमारे जीवन पर किन किन पहलुओं पर क्या चीज़ें होगी वो भी हमें समझने की बहुत हद तक आवश्यकता है। जब कभी भी राहु और शनि इन तीनों की युतियों से वक्रीता आती है तो व्यक्ति के जीवन में घोर निराशा का दौर आने की संभावना होती है। इसलिए जो भी काम आप वर्तमान में कर रहे हैं, उस काम को बहुत सावधानी, बहुत ही सोच समझ कर उस काम में आगे बढ़े। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनकी सत्यता को भी एक बार जाँच लें, परख लें, क्योंकि इस पूरी अवस्था में एक व्यक्ति के साथ भ्रम की अवस्था बनती है। जो लोग उसके साथ हैं उसे छल कपट और धोखा करते हैं, उसे सच से दूर रखा जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय को लेकर आप बहुत सतर्क रहें, चाहे वो बिजनेस हो, व्यापार हो, जमीन से जुड़ा मामला हुआ। जिन लोगों के साथ आप काम शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। दूसरा है, मानसिक तनाव बढ़ेगा, चाहे वो परिवार को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, किसी भी अवस्थाओं को लेकर हो, तो मानसिक तनाव अचानक बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये आपको 20 जून के बाद ये प्रभाव देखने को शुरू होगा। आने वाले 6 महीने तक इसके प्रभाव आपकी लाइफ में दिखाई देंगे, लेकिन 20 जून से ये सक्रिय रूप से, वक्री रूप से आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी तनाव हो, मानसिक रूप से तनाव हो, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, बहुत खुद को शांत रखें और जितना हो सके उतना अपने गुरु मंत्र का जप आपको करना है। तीसरा है, बहुत सारे जातकों को एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान, घाटा हो सकता है। इसलिए नुकसान से बचने के लिए जहाँ भी आप निवेश कर रहे हैं, 2-4 बार अच्छे से सोच लें किन लोगों के बीच है क्या नहीं है, वो बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्वेशन कर लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। क्योंकि व्यक्ति अच्छा बनकर, सच्चा बनकर आपके साथ ठगी कर सकता है, छल कपट कर सकता है और धन का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं अगर सरकारी नौकरी में या कोई रोजगार से आप जुड़े हुए हैं तो कोई आपको भ्रष्टाचार के मामलों में भी फंसा सकता है। इसलिए इस विषय को लेकर भी अतिरिक्त हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। आने वाले 6 महीनों तक अगर आप बचेंगे, सचेत रहेंगे, तो ही आपकी खुद आप मदद कर पाएंगे। दोस्तों, एक और बात है कि अगर आपकी तकलीफें बहुत बढ़ रही हैं तो आप ज़रूर एक बार हमसे, व्हाट्सएप पर नंबर चल रहे हैं आप स्क्रीन पर, अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, शायद आपकी किसी समस्या का एक सकारात्मक समाधान आपको मिले। और डरने और घबराने की बात नहीं है, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, नियमित शिवालय जाए, ओम नमः शिवाय का जाप करें, बाकी भगवान आपके साथ सब चीज़ें अच्छी करें। ओम नमः शिवाय।